फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के डोरमेट, फ्लोर मेट, दरी, चटाई बनाएंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, वो भी घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। आप अपने साइज के हिसाब से इसे बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने पुरानी साड़ी, दुपट्टा, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये साड़ी का बचा हुआ पीस है, उसी से मैं बनाऊंगी। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और 5 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद आगे भी सभी, मतलब हमें 5-5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो 5 इंच पर निशान लगा के इसे हम कट कर लेंगे। जितनी चाहे उतनी आप पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दूसरे कलर की और भी साड़ी, जो साड़ियाँ पड़ी हुई थी, उसी से मैंने 5-5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली है। कुछ दुपट्टे हैं, कुछ साड़ियाँ हैं, उसी से मैंने 5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से फ्रिल बना लेना है। कपड़े को हम डबल कर लेंगे और किनारे से देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है और इसका फ्रिल बनाते जाना है। इस तरह से ये जो छोटा वाला कटर होता है उससे काफ़ी आसानी से ये फ्रिल बन के रेडी हो जाता है। और दूसरे कलर को भी हम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसका फ्रिल बनाते जाएंगे। इसी तरह से सारे कपड़े जो हमने कट किए हैं, जो साड़ियों के, दुपट्टे के जो कपड़े हैं, उन सारे कपड़े जो सारे पट्टियों को जो हमने कट किया है, सभी को फ्रिल बना के रेडी कर लेना है। आप इसमें टी शर्ट, लोअर, हाफ पेंट जो होते हैं उसके कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी डोरमेट, फ्लोरमेट बन के रेडी हो जाती है। इसी तरह से हम सारे पट्टियों का फ्रिल बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सारी पट्टियाँ फ्रिल बन के रेडी हो गई है। इसमें मैंने 3 कलर का यूज किया है। और इसमें लगाने के लिए हम एक चावल गेहूँ की प्लास्टिक की बोरी लेंगे। इसकी मेजरमेंट है, लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 18 इंच। इसे हम यहाँ से एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे। पहले यहाँ से पिन लगा लेंगे और फिर हम इसमें गोलाई दे देंगे, इसके बाद इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए कट हो गई है और ये हमारा ओवल शेप में रेडी हो गया है। और इसमें नीचे से लगाने के लिए हम एक पुरानी पैंट लेंगे, यहाँ से ये फट गई है, उसी का हम यूज करेंगे। फटी पुरानी पैंट आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, इसलिए आज इसका अच्छा सा रीयूज करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई खोल लेंगे और साइड की सिलाई ये काफ़ी आसानी से खुल जाती है। तो इसकी सिलाई हम खोल लेंगे दोनों साइड से, फिर इसे कट कर लेंगे। ये देखिए कट हो गई है और इस तरह से दोनों पीस को हम सिल लेंगे तो ये हमारा बड़ा सा पीस बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और अब जो हमने प्लास्टिक की बोरी कट की थी उसके किनारे से इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे, 1/2 इंच का हम इसमें छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए कट हो गई है और अब हमें क्या करना है, जो 1/2 इंच हमने 1/2 इंच छोड़ा है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो गई है और अब हमने जो फ्रिल बना के रेडी किया था उसे हमें इस तरह से किनारे पे रखते जाना है और इस सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से घुमाते जाएंगे और किनारे पे रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। पहले एक कलर का लगा लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कलर का लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले जब हम लगाएंगे तो आगे से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और एकदम किनारे से चिपकाते हुए हमें पहला वाला फ्रिल लगाना है, सबसे फर्स्ट वाला एकदम किनारे से मिलाते हुए लगाना है। तो इस तरह से मिलाते जाएंगे एकदम किनारे से और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए फ्रिल छोटी हो गई है तो उसमें हम दूसरी वाली फ्रिल को लगाएंगे। और पहले हम एक कलर का लगा लेंगे, पूरे में रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कलर का लगाएंगे। तो इस तरह से जब फ्रिल ख़त्म हो जाए तो उसके ऊपर से दूसरी पट्टी को लगा के आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर सारी पट्टियों को जोड़ के एक लंबी सी पट्टी भी बना सकते हैं, लंबी सी फ्रिल वाली पट्टी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बाद में भी आप जॉइंट लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए लगभग एक कलर की हमारी फ्रिल बन के रेडी हो गई है, एक लाइन रेडी हो गई है। अब इसमें हम दूसरी कलर को अटैच करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए हम लगाएंगे और एकदम बारीक सी लगभग 1/2 इंच की दूरी करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है पूरे में। ऐसे लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है।
इससे आप जो पुराने टी शर्ट लोअर हाफ पैंट वगैरह होते हैं, जो हौजरी वाले टी शर्ट वाले कपड़े होते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छी डोरमेट बनती है। तो इसी तरह से हम मिलाते जाएंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम दूसरे कलर का रेडी करेंगे। तो इसमें से देखिए, जितने हमने तीन कलर का फ्रिल रेडी किया था, तो इसी तरह से हम एक पर एक कलर लगाते जाएंगे, कलर को चेंज करते जाएंगे और कलर कॉम्बिनेशन मिलाते हुए लगाते जाएंगे। इसे मैंने मल्टी कलर में बनाया है, आप चाहे तो एक कलर का भी बना के रेडी कर सकते हैं। इस तरह से घुमाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। अगर आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा तो दूसरे कलर के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था, तो ये मेरे पास ब्लाउज पीस बचा हुआ था, उसी का मैंने फ्रिल बना के इसमें लगाया है। इसी तरह से देखिए, हमें पूरे में रेडी कर लेना है कलर कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप भी इसे बना सकते हैं। और इस तरह से हमारे सारे पुराने कपड़े भी जो होते हैं रीयूज हो जाते हैं और बहुत ही काम की चीज़ बन के रेडी हो जाती है। इस तरह के डोरमेट फ्लोरमेट जब हम मार्केट से लाने जाते हैं तो वो काफ़ी महंगे मिलती है, उसे हम घर पे ही बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। और इसे आप अपने पसंद से साइज़ बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। तो लास्ट में देखिए, हम इस तरह से इसको कवर कर लेंगे, पूरे में इसको भर लेंगे, फ्रिल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रिल हो गई है और बीच में हम एक पतली सी लेस लगा लेंगे। आप चाहे तो साड़ी वाली जो फ्रिल बनाई है उससे भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक पतली वाली लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, इसी साड़ी की लेस है, तो उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, जिससे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बीच में हम इस तरह से इसको भर लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है, इस तरह से ये फिनिश हो गई है, पूरा डोरमेट कंप्लीट हो गया है और काफ़ी ये फ्लफी और सुंदर बन के रेडी हो गया है। क्योंकि ये साड़ी का बना हुआ है तो काफ़ी फुला फुला सा और अच्छा देखने में, गुदगुदा सा देखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।